हाँ जी, हम लोग हैं इस टाइम मनथोका वाटरफॉल पे और स्कर्दू से तकरीबन 2 घंटे की ट्रैवलिंग पे है। जो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है वो बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट के थोड़े बहुत बीच में से कुछ डिस्टर्ब पैच आते हैं। इसके अलावा वाटरफॉल का जो एरिया है काफ़ी यहाँ पे रौनक है। एक छोटा सा हैंगिंग ब्रिज भी है उस साइड पर और जो इटसेल्फ वाटरफॉल है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इस एरिया में जितनी वाटरफॉल्स हैं उनमें से ये एक वाटरफॉल्स काफ़ी फेमस है। तो ओवरऑल जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस है, रिकमेंडेड प्लेस है। इफ़ यू आर स्टेइंग इन स्कर्दू तो यहाँ पे आप लाजमी आएँ, इसको विज़िट करें क्योंकि काफ़ी फेमस जगह है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाटरफॉल आती है वो आती है खामोश वाटरफॉल। अभी हम लोगों का प्रोग्राम है यहाँ से हम खामोश वाटरफॉल जाएँ। टाइम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास, हो सकता है जाते जाते अंधेरा हो जाए और वापसी में फिर हमें जो स्कर्दू का टाइम लगेगा वो सारा अंधेरे में हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। मनथोका वाटरफॉल से खामोश वाटरफॉल का रास्ता तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट का है। रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रास्ते में दरिया के साथ साथ जो वाइट सैंड की बीचेस हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और मनथोका वाटरफॉल के बारे में आपको बताता चलूं कि ये वाटरफॉल आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, जो कि हमें ड्रोन शॉट्स लेने के दौरान पता चला कि इस वाटरफॉल को आर्टिफिशियली जो नेचुरल पानी का रुख है उसको चेंज करके बनाया गया है, जबकि खामोश वाटरफॉल एक नेचुरल वाटरफॉल है जो कि पहाड़ी के ऊपर मौजूद गांव के पास से बहते हुए पानी से बनी है।
वाटरफॉल्स देखने के लिए आपको पूरे एक दिन का टाइम रिक्वायर्ड है। स्कर्दू से आप अगर सुबह सुबह निकलें तो दोनों वाटरफॉल्स देख के आप रोशनी में वापस स्कर्दू पहुंच सकते हैं। मंटोका वाटरफॉल में रेस्टोरेंट्स और मोटल्स की सहूलत जो है मौजूद है। मैंने कुछ वहाँ पे फॉल्स बने देखे हैं और रेस्टोरेंट भी एक था काफ़ी बड़ा, जहाँ पे आए हुए जो टूरिस्ट थे वो लंच वगैरह कर रहे थे। जबकि खामोश वाटरफॉल में एज सच कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, जस्ट आपको टी स्टॉल और कुछ स्नैक्स वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे।